जाता हूँ आप। सर, ये जो वर्णावत के ट्रीटमेंट वाला मामला है, मामला बहुत गंभीर है और तमाम लोगों की जान पे संकट हम कहें के गहराता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो बड़ा चिंताजनक माना जा रहा है। तो अगर हम कुछ समय पहले की बात करें तो आपने भी काफी कोशिश प्रयास किए हैं, क्या रही है वो स्थिति, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। इसको 2005 के आसपास जो लोकायुक्त ने इसकी जांच की थी और उसमें एक लगभग 7 करोड़ का गबन पाया गया था। उसमें लोकायुक्त की जांच में ये हो गया था, ये जो उसका भूस्खलन का स्थिरीकरण और जो उसका ट्रीटमेंट हो रहा है वो चल नहीं पाएगा। जिस किस्म का जो मटेरियल लग रहा था वो घटिया लग रहा था, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो काम हो रहा था वो ठीक नहीं हो रहा था। और लोकायुक्त के इनके वो थे जो टेक्निकल एडवाइज़र थे, वो लोक निर्माण विभाग के उसका CPWD के चीफ इंजीनियर रह चुके थे, उनसे इन्होंने इसकी जांच कराई थी। उसमें ये क्वालिटी ख़राब मिली, उसके बाद वो उसका टेक्निकली उसको वो और वो उसका गबन भी था और मुख्यमंत्री को रिपोर्ट देती थी। अगर उस रिपोर्ट पर कार्यवाही होती, उस पर गौर किया जाता, अगर ठंडे बस्ते में नहीं डाला होता तो आज ये हालत नहीं होती। और ये भविष्य के लिए बड़ा खतरा है, मतलब एक ऐतिहासिक नगरी है, उसको उत्तर की काशी आप समझ लो, जित काशी विश्वनाथ का नगर है वहाँ पर, उसका अस्तित्व तो खतरे में ही है उसके बाद। क्या होना क्या चाहिए था सर, बहुत गंभीर मुद्दा है। ये उस समय जो लोकायुक्त लोगों ने कहा, लोगों स्थानीय लोगों को मालूम था कि बहुत गड़बड़ियाँ हो रही हैं और भारत सरकार ने सीधा इंटरफियर किया था। भारत सरकार ने 250, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे उस समय, उन्होंने 250 करोड़ सीधे सीधे इसके लिए सेंक्शन किया था। इसके साथ एक टास्क फोर्स का गठन किया था, टास्क फोर्स ने एक उसका जो प्लान बनाया था, उसका ट्रीटमेंट के लिए बनाया था, उसका स्थिरीकरण के लिए बनाया था, वो 282 करोड़ का बनाया था। वो इतनी भारत सरकार भी इतनी गंभीर थी। जब हुआ उसके बाद ये बिल्कुल लावारिस हो गया। जिला प्रशासन रहा उसका, REC वाले रहे, सिंचाई विभाग वाले, उन्होंने अपना घपले करते रहे, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है। यही नहीं है, उस समय हुआ ये कि इसके लोकायुक्त ने सचिवालय में बैठे जो टॉप ब्यूरोक्रेट थे उन लोगों की तरफ भी इशारा किया था कि बिना ऊपर से, बिना वित्तीय स्वीकृति के, बिना प्रशासनिक स्वीकृति के ये सैकड़ों करोड़ के काम कैसे हो सकते हैं, 282 करोड़ का काम कैसे हो सकता है, इतना बड़ा गोलमाल था वो। तो उस समय किसी ने, मुख्यमंत्री उस समय खंडूड़ी जी थे, खंडूड़ी जी को रिपोर्ट गई थी, उन्होंने कोई काम नहीं उस पर, नहीं हुआ उस पर, जाँच ही नहीं हुई। वो नतीजा आ तो रहा, फिर दरार पड़ रही है, फिर वही हो रहा था। उन्होंने शुरू में कह ही दिया था जिस ढंग से पानी ऊपर से रहा, उसका ड्रेनेज की सिस्टम ठीक नहीं है, उसके बाद ये जो ऊपर से आएगा वो जो लैंडस्लाइड का है, रोकना मुश्किल हो जाएगा। उनका जो डिस्पोजल था, वो जो उससे मलबा आया था, वो मलबे के बारे में भी था, इसका डिस्पोजल में भी वो जो मिट्टी थी उसको हटाने के लिए उसमें गोलमाल था, उसको भी ढंग से नहीं हटाया गया था। उधर वो ईदगाह मोहल्ला है और मोहल्ले हैं, उन पर बात हुई थी, वो दिक्कत थी। अगर उस समय के पैसों की बात की जाए, जितना बड़ा धन रिलीज किया गया था, अपने आप में बहुत बड़ी एक धनराशि थी, अगर उसमें आपने भी लोकायुक्त में आपने भी एप्लीकेशन लगाई थी, अनियमितता की बात हुई थी, लोकायुक्त ने खुद अपनी एक कमेटी से जांच करवाई थी, तो उसमें आपको क्या लगता है किस किस पर, मतलब कहाँ कहाँ कमियाँ कहाँ रह गई थी इसमें ट्रीटमेंट? ट्रीटमेंट में जो वित्तीय अनियमितता, तो सीधे सीधे बीच में ही 282 करोड़ में से लगभग 100 करोड़ ही खर्च किए होंगे, तभी घर लगभग 7 करोड़ का गबन तो सीधे आ गया ना वो लोग, क्योंकि मैंने RTI से, ये लोकायुक्त से इन्फॉर्मेशन मांगी थी, मुझे जो जानकारी मिली है उसमें सीधे लोकायुक्त ने कहा कि इसमें 7 करोड़, 7 साढ़े 7 करोड़ का गबन अब तक हो चुका है। उसके बाद ये साफ कहा था ये काम जो ट्रीटमेंट का काम, स्थिरीकरण का काम भविष्य में नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये मटेरियल बहुत घटिया है, तकनीकी दृष्टि से जो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत खराब ढंग से इसका काम हो रहा है। वो वाली बात तो उस समय हो गई थी, लेकिन उस पर तभी हमने आपको, जब गड़बड़ हो रहा था इसलिए मैंने RTI भी मांगा था, मैंने उस समय इस पर आर्टिकल लिखे थे और उसको वो भी छपे थे, लेकिन किसी ने सुना नहीं उस बात को। बहुत किसी कमेटी की बात कही थी जैसे GLC हाई वगैरह पावर है या कमेटी कोई वाडिया वगैरह की, जिसकी राय मशवरे से अब आगे का काम किया जाए, ऐसा कुछ लोकायुक्त ने कहा था अभी इतनी बड़ी गड़बड़ी होगी अगर टाइमली अगर आप नहीं संभले, क्योंकि इसके लिए भारत की सरकार ने इसको भूगर्भ विभाग को और TSDC को उसके सुपरविजन की जिम्मेदारी दी थी, जो उन्होंने की नहीं। इसके बाद लोकायुक्त के जो टेक्निकल एडवाइजर थे, कि बहुत बहुत बड़े इंजीनियर वो रह चुके थे, आनंद सिंह कनेरी,
उनकी रिपोर्ट में ये कहा गया था कि आप बढ़िया इंस्टीट्यूट के जीएसआई के और बाकी जितने भी ये रुड़की उसका बिल्डिंग एंड रिसर्च उसका इंस्टीट्यूट के जो जितने हैं भारत के जो बेहतरीन जो इंस्टीट्यूट हैं जो संबंधित विभाग संस्थान हैं उनकी मदद ली जाए, क्योंकि भारत सरकार का पैसा इसमें इन्वॉल्व था, उसकी मदद तकनीकी मदद लेके इसके ताकि इसका स्थायी उपचार हो सके, स्थायी स्थिरीकरण हो सके, वो करना था। वो तो दबा दी रिपोर्ट, उनकी रिकमेंडेशन तो कहाँ होती है, उसका कुछ हुआ ही नहीं। क्या हुआ उसके बाद, आपने सुना कोई किसी को कोई कार्यवाही? कुछ नहीं हुआ उसके बाद। आप लोकायुक्त के चैंपियन बन गए खंडूड़ी जी उसके, लेकिन क्या इस लोकायुक्त की रिपोर्ट पर क्या हुआ? लोकायुक्त की बाकी रिपोर्ट भी आई, उन पर क्या हुआ? वो जो एक ना जो कोई आम आदमी आम लोगों ने शिकायत की थी, जिला प्रशासन ने कहा इनकी शिकायत में दम नहीं है, इसलिए अब इसलिए उसको लोकायुक्त को एक हायर करना पड़ा, इतना उसको सीनियर इंजीनियर को हायर करना पड़ा, सिविल इंजीनियर को हायर करना पड़ा कि जो काम चल रहा है क्या वो सचमुच टिकाऊ है, क्या वो सचमुच ठीक ठाक हो रहा है। वित्तीय अनियमितता तो दूसरी जगह है, लेकिन जो टेक्निकल गड़बड़ी थी, जो एक एक तकनीकी समिति भी थी, एक प्रशासनिक स्वीकृति होती है, एक तकनीकी स्वीकृति होती है, वित्तीय स्वीकृति होती है सरकारी काम करने में, वो कहाँ हुआ? तो उसमें वही तो बोला उन्होंने कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं और ये बहुत गड़बड़ मामला, भविष्य में जाके गड़बड़ होगा। आप देख ही रहे ऊपर उसके बर्णावत की खोपड़ी में दरार आ गई, उसके बाद वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सामने आपने देख लिया जोशियाड़ा के साथ क्या हुआ, पिछले साल आपदा में क्या हुआ, तो इतनी गंभीरता अशी गंगा में क्या हुआ, तो सारी चीज़ें वहाँ को आपदा की दृष्टि, इतना संवेदनशील इलाका है वो हिमालयी क्षेत्र है, इसलिए को सेंसिटिव जोन तो इसलिए तो घोषित किया गया था। इसके बाद भी आप चेते नहीं हैं तो उसके बाद ये तो गंभीर, इसका मतलब ये तो गंभीर लापरवाही है। शिवराज सिंह चौहान जाएगा, फोटो आ रखी थी मैंने, जैसे उसको बोला आज आरएसएस की बैठक चल रही, मैंने उसकी लाइव में बात शेयर की, बहुत सुंदर आज जाएगी। और मध्य मुझे प्रदेश मुझे ये फोटो हटानी पड़ेगी नहीं तो